पार्टी लगा है। आपका नाम? डॉली। कहाँ रहती हो आप? हाजीपुर अम्बेडकर नगर। मुझे बताइए, लॉकडाउन हुआ है, 22 तारीख से जनता कर्फ्यू लगाया गया है, अब लॉकडाउन है, तो क्या समस्या हो रही है आज इस समय आप लोग यहाँ पे? तो समस्या यह है कि भूखा ही मर रहे हैं बंदे। अच्छा, सभी यहाँ पे नौकर चाकर कोई है नहीं हाजीपुर में, सभी ज्यादातर सब वही है काम धंधा करने। अब हमारे बच्चे ही है, हमारा ना लौंडा कर रहा काम, ना हमारी लड़की कर रही, आदमी बीमार है, हार्ट का मरीज है, या तो आप खाने जाए कमाने जाए कि घर में बैठे। तो प्रधानमंत्री जी ने तो व्यवस्था की है, कोई व्यवस्था नहीं, एक व्यवस्था नहीं है यहाँ पे हमारे, मेरे सामने कोई भी आए एक भी नहीं है, ये भी नहीं कि एक किलो आटा भी हम लोग को मिल जाता, कोई भी यहाँ कोई राशन या कुछ कुछ भी नहीं, ये भी नहीं कि एक एक दूध की थाली 10-10 रुपए गरीबों को दे जाए। अच्छा, तो भारत की जनता से क्या कहना चाहोगी आप? अरे क्या कहना चाहिए, ऐसे कहना चाहेंगे भाई कि हमारे हम लोग को मदद करे, जब ये लगा हुआ है कर्फ्यू। तो प्रधानमंत्री जी से क्या मांग है आपकी? प्रधानमंत्री से मांग कुछ नहीं, जब वो कह रहे हैं कि हम इतना राशन देंगे या पैसा बैंक भेजे, तो हमारे भेजे पैसा, हजार रुपए भेजे हमारे अकाउंट में, कुछ नहीं तो राशन हम ले फ्री दे। जब उनने कही 10 किलो गेहूँ, 10 किलो आटा, 1 किलो दाल देंगे तो हमें फ्री देना, कुछ तो सुविधा हम लोग के लिए गरीबों का करें ना, तो हम लोग को जो है भी नहीं वो भी हम लोग को बीमारी लग के भूखे मर जाएंगे, ऐसे तो बच्चे हमारे भूखे मर जाएंगे। और कुछ कहना चाहते हैं? आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं बस। आपका नाम? विद्यासागर वाल्मीकि। कहाँ रहते हैं? हाजीपुर अम्बेडकर नगर वाल्मीकि बस्ती में। ये बताइए, लॉकडाउन हुआ इससे क्या फायदे है क्या नुकसान है? इससे नुकसान यही है कि हमारे मतलब अगर हम 1-1 मीटर की दूरी अगर बनाए रखेंगे तो इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा हमें। अच्छा, और जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जो मतलब अच्छा मतलब सहयोग हमें चाहते हैं, उनका दें पब्लिक अच्छे सहयोग देना चाहिए जनता को जी। अच्छा, सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर 22 तारीख से लॉकडाउन है, 22 तारीख जनता कर्फ्यू और फिर अब लॉकडाउन चल रहा है, आज 1 हफ्ता हो चुका है, तो जनता अभी मैंने पूछा जनता कह रही है कि हमें खाने को नहीं मिल रहा है और समस्या हो रही है, आपका क्या कहना है? नहीं तो वो तो हमें सब कुछ झेलना चाहिए। देखो बताइए, ऐसा है कि अगर हमें इस मुश्किल का सामना करना है तो हमें ये तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ये तो हमें करना पड़ेगा, और उनकी मदद मंत्री साहब की जो है हमें करनी पड़ेगी, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो है जो उन्होंने भाषण दिया उसका सहयोग करना पड़ेगा। हाँ, सहयोग करना पड़ेगा, नहीं जनता का सहयोग करना ही चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जो देश को देश खत्म कर देगी। हाँ, ये बात सही है। हाँ। और एक चीज और है सर कि जैसे कि हम ये चाहते हैं घर में जब बच्चे बाहर से आए तो उनके हाथ धुलवाए जाएं और हाथ पैर धो के खुद भी घर में घुसें इस चीज़ के लिए, और इससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, भारत की जनता के लिए क्या कहना चाहोगे? भारत की जनता के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि मोदी जी का अच्छा सपोर्ट करें, अच्छा सहयोग करें उनका, इस लॉकडाउन का सहयोग करें जी जी। अच्छा, और कुछ कहना चाहते हैं? बस, हम आए हैं हाजियापुर में, यहाँ भ्रमण करेंगे और यहाँ पूछेंगे लोगों से कि जो लॉकडाउन हुआ उस लॉकडाउन के बारे में क्या समस्या लोगों को हो रही है, क्या दिक्कतें हो रही हैं, मैं इनसे पूछता हूँ। आपका नाम? कल्याण दास। कहाँ रहते हैं आप? हाजियापुर। अच्छा, ये बताइए, ये लॉकडाउन हुआ, इस लॉकडाउन से क्या समस्या है और क्या फ़ायदे हैं ये बताइए। लॉकडाउन से जो है फायदे, बहुत सारे फायदे हैं कि बीमारी हमारे को नहीं आएगी अंदर रहने से, हमारे बच्चों में नहीं फैलेगी, और उसका प्रधानमंत्री का पूरी योजना से उनका पालन करना चाहिए लॉकडाउन का। तो जो परेशानियाँ हैं गरीब बच्चे हैं, जैसे खाने की है, पीने की है, किसी को आटा नहीं है, चावल नहीं है, ये महंगाई में जो है बहुत ही बुरी स्थिति है गरीब आदमी की, जो रोज के मजदूरा है। तो मजदूरों के लिए सरकार ने 1-1 हज़ार रुपये अकाउंट में डालने के लिए, राशन के लिए कह तो दिया है, अभी तक तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना ही राशन कोई लेकर आया है, ना कुछ। अच्छा, अब हमारी बस्ती जो है बहुत गरीब है, बहुत सारे गरीब हैं, रोज के मजदूरा हैं। अच्छा, ये बताइए, लॉकडाउन हुआ तो आप अपने घरों में घर में रहते हैं या बाहर भी घूमने कहीं निकलते हैं? नहीं, लॉकडाउन में हम पूरी तरीके से अंदर रहते हैं, अपने बच्चों को भी समझाते हैं और अंदर ही रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, भारत की जनता से क्या कहना चाहोगे? भारत की जनता से यही कहना चाहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन किया है उसको पूरी तरीके से पालन करें, सहयोग करें, सहयोग करें। और कुछ कहना चाहेंगे? हर एक किसी को बताएं बस।